सबसे पहले हमें क्या करना है, जितना भी बड़े साइज का आप मैट बनाना चाहते हैं उतना बड़ा हमें कार्डबोर्ड का पीस चाहिए। अगर आपको फुल एक स्क्वायर पीस मिल जाता है तो इस तरीके से ले सकते हैं, नहीं तो कार्डबोर्ड को ज्वाइन करके भी एक बड़ा कार्डबोर्ड का पीस बना सकते हैं जितना बड़ा आपने मैट बनाना है इस तरीके से। वैसे मैं इसके मेजरमेंट बता देती हूँ, मैंने कितना बड़ा लिया है, ये है अप्रॉक्सीमेट 18 इंच और ऐसे है 16 इंच। इस पे एक स्ट्रेट निशान लगा दीजिए। एक निशान लगा लिया। ये मैंने चारों बॉर्डर का इसका निशान लगा लिया इस तरीके से। अब कहीं से भी आप फ्रेम बनाना शुरू कर दीजिए, यहां से हम शुरू कर देते हैं, यहां से हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं आप। एक तरफ से फ्रेम बनाते हुए, पूरा बनाते हुए वापस हम यहां तक इस फ्रेम को कंप्लीट करेंगे। फ्रेम कैसे बनाना है, सबसे पहला डिस्टेंस लेना है आपको 2 इंच। 2 इंच पे मैंने पहला निशान लगाया, यहां से हमारे टसल्स बनेंगे उसके लिए। उसके बाद आपको निशान लगाना है 1/4 इंच, 1 और 2 पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट होते हैं इतना, यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 1/4 इंच का निशान लगाया मैंने। उसके बाद आपको निशान लगाना है 1/2 इंच का डिस्टेंस लेना है आपको, फिर 2 पॉइंट 1/4 इंच, इस तरीके से। यहां से पहले लास्ट वाला 2 इंच ले लिया, सब जगह से 2 इंच आएगा, यहां से 2 इंच, यहां से 2 इंच, ये मैंने लिया 1/4 इंच। उसके बाद 1/2 इंच का डिस्टेंस 1/4 इंच, ये जो हमने ये बना रहे हैं ये हमारे 1/4 इंच के बनेंगे और इनका डिस्टेंस आएगा 1/2 इंच। इसे हम बाद में कट कर लेंगे, ये जो हम बना रहे हैं 1/4 इंच ये हमारा कट होगा और ये हमारा इसी में रहेगा कार्डबोर्ड में। तो नेक्स्ट निशान फिर से 1/2 इंच का डिस्टेंस, इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है और सारे निशान लगाने हैं। 1/4 इंच, फिर 1/2 इंच, फिर 1/4 इंच, फिर 1/2 इंच का डिस्टेंस 1/4 इंच से इससे मिला दीजिए, इस तरीके से। ये जो डिस्टेंस है ये 1/2 इंच का डिस्टेंस है और ये जो कलियां सी बनाई है मैंने, निशान लगाए हैं, ये मेरा 1/4 इंच है। बस अब हमें इसे ही कट करना है, ये पूरे निशान लगाने हैं आपको, यहां तक इस कॉर्नर तक पूरे आपको ये निशान लगाने हैं। यहां से भी आपको 2 इंच छोड़ देना है, तो यहां से लेके यहां तक आपके निशान लगेंगे, यहां से भी 2 इंच छोड़ देना है आपको। तो यहां से लेके यहां तक निशान लगेंगे, उसके बाद इस 2 इंच से लेके यहां तक निशान लगाने हैं, जैसे वो निशान लगाए हैं, फिर यहां से यहां तक लगाने हैं। निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, हम इसे कट कर देंगे। ये जो 1/4 इंच वाला हिस्सा है इसे आपको बीच में से कट करके अलग कर देना है। ये इस तरीके से, तो ये सारे हम कट कर देंगे तो ये हमारा फ्रेम बन जाएगा। एक तरफ से कट कर लिया, 1/2 इंच के मेरे ये बने हैं, 1/4 इंच का तो डिस्टेंस था वो मैंने कट कर दिया। कितने लगाए मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये टोटल मैंने 16 कट लगाए हैं, यहाँ पे लगा लिए। अब सेम इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक मैं लगा लूंगी, फिर उसके बाद यहां से 2 इंच का डिस्टेंस छोड़ के यहां से यहां तक 16 यहां लगे हैं, तो 16 ही आपको इस तरफ लगाने हैं और जितने कट आप इस तरफ लगाएंगे उतने ही आपको उस तरफ लगाने। ये देखिए मैंने सारे कट कर लिए, तो इस तरीके से मेरा फ्रेम बिल्कुल रेडी हो गया है। यहां से मैंने आपको बताया थे कट करने, जितने यहाँ पे कट लगाए हैं उतने ही कट यहां लगाने हैं, जितने कट यहां लगाए हैं उतने ही यहां लगाने हैं। तो इसी तरीके से छोटे साइज में, बड़े साइज में, किसी भी साइज में आप फ्रेम बना सकते हैं, बस आपको इस तरीके से कट लगाने हैं या साइडों से आपको मार्जिन छोड़ना है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ऊन लिया, यहां पे इसे टेप कर लीजिए, ये मैंने इसे टेप कर लिया इस तरीके से उल्टी साइड से। अब हमें इसके धागे को चारों तरफ लपेटना है।
इस तरीके से अब हम इसे चारों तरफ इसके लपेटेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये मैंने 9 टाइम इसे लपेट लिया। अब मैं धागे को दूसरे वाले में ले जाऊंगी। यहां से धागे को घुमा लिया और इसमें ले गए। अब हमें सेम इसी तरीके से इसे भी 9 टाइम लपेटना है। 1, ये देखिए ये मैंने लपेट लिया। तो 1, 2, 3, 4 टाइम मैंने लपेट लिया। अब हम धागे को इस तरफ लेके जाएंगे और यहां भी 1, 2, 3, 4 जैसे ये 4 लपेटे हैं ऐसे ही 4 हम इस तरफ भी लपेटेंगे। पहले कलर लेंगे तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं इस तरीके से। और जहां हमने पहले लपेटा था इस वाली लाइन में यहीं से हम शुरू करेंगे दोबारा से इसके ऊपर। सेम 1, यहां से हम इस तरफ टर्न ले लेंगे और जैसे एक टाइम तरफ भी लपेट लीजिए। इसे मैं काट के टेप के अंदर इस तरीके से। अब हम ये वाला कलर लेंगे। हम यहां से शुरू करेंगे जो हमने फर्स्ट वाला शुरू किया था लपेट लीजिए। 1, ये फिर हम उसके बाद ऐसे लपेटेंगे। अब इसे यहां तक पूरा लपेट लीजिए। एंड तक मैंने पूरा लपेट लिया। अब आपको क्या करना है, अब हमें इसे घुमाना है और हमें कहां लपेटना है, ये जो हमारे खाली पड़े हैं जिन पे हमने पहले लपेटा हुआ है उस पे आपको नहीं लपेटना है, ये जो हमारे खाली पड़े हैं इस पे हम लपेटेंगे। तो धागे को मैं इस तरफ ले गई यहां पे इस तरीके से। धागे को मैं यहां पे ले आई और ये जो हमारे जितने भी खाली पड़े हैं इनमें हम लपेटेंगे सेम वही 8 टाइम। ये देखिए मैंने पूरा लपेट लिया। तो इस तरीके से ये मैंने सारा लपेट लिया वाप में और वेफ्ट में इस तरीके से, और इस तरीके से मैंने पूरा लपेट लिया है। अब हम इसे नॉट करेंगे। तो नॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस तरीके से मैंने धागा लिया। उससे दिखाती हूं मैं आपको कैसे करना है। एक बार ऐसे आया है धागा, एक बार ऐसे आया, तो सारी जगह धागे हमारे ऐसे ही है। देखिए एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ये क्रॉस बना हुआ है हमारा। इसी क्रॉस को हमें नॉट करना है। जैसे ये फर्स्ट हमारा क्रॉस है तो आपको क्या करना है, एक बार ऐसे नॉट लगाना है क्रॉस में और एक बार ऐसे नॉट लगाना है क्रॉस में। तो मैंने धागा ले लिया, इसे इस तरीके से देखिए बीच में से निकाला। मैं आराम से कर रही हूं ताकि आपको विजिबल हो। और ये जो हमने नॉट लगाई थी ये मैंने इसे सिंपल नॉट कर दिया टाइटली, ऐसे नॉट कर दिया। अब एक बार धागा मैं ऐसे ले लूंगी इस तरीके से और इसे भी हम नॉट कर देंगे। ये मैंने इसे नॉट कर दिया। अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, एक बार ऐसे नॉट करना है, एक बार ऐसे नॉट करना है। तो ये मैंने निकाला इसमें इस तरीके से धागे को, इसे बीच में से निकाल दिया।
वन नॉट, अब दोबारा से यहाँ से दूसरे में से सेकेंड नॉट, ये देखिए तो जो एक वाप और वेफ्ट में आया धागा वो मेरा नॉट होता रहा है। अब नेक्स्ट सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ से निकाला नॉट लगा दी, उसके बाद यहाँ से निकाला नॉट लगा दी, फिर नेक्स्ट सेम यहाँ से निकाला नॉट लगा दी, यहाँ से निकाला नॉट, नेक्स्ट सेम नॉट नॉट, ये देखिए तो इस तरीके से मेरी नॉट बनती रह रही है और ये बंद होता रहा। बस इसी तरीके से हम यहाँ तक इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम ये जो जितने भी पिंक है ये सारे हम बांध लेंगे, उसके बाद ये जो नीचे ग्रीन है हम यहाँ पे ग्रीन कलर लेंगे, जहाँ व्हाइट है हम वहाँ पे व्हाइट कलर लेंगे। सारे टाई कर लिए, अब मैं ये ग्रीन वाली लाइन करूंगी, ये ग्रीन वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद सारे ये दूसरे कलर वाले करेंगे। तो हम यहाँ से मैंने ये ग्रीन कलर ले लिया है, इसमें सेम उसी तरीके से टाई करना है, मेथड सेम है टाई करने का, क्रॉस में आपको टाई करना है एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, फिर नेक्स्ट एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, इस तरीके से सारे टाई कर लिए जैसे आपको बताया था वैसे सारी नॉटिंग कर लिए। सारी नॉटिंग करने के बाद बस आपको क्या करना है, अब इसे यहां से कट करके फ्रेम में से अलग कर लीजिए। ये मैं टसल्स काट रही हूँ इसके, इसे हम पूरा फ्रेम में से अलग कर लेंगे। मैंने इसे फ्रेम में से अलग कर लिया, ये हमारी उल्टी तरफ थी जहां से हमने नॉट लगाई थी, ये हमारी सीधी तरफ है इस तरीके से, और साइड से इसके टसल्स प्रॉपरली मैंने कट कर लिए हैं। तो इस तरीके से हमारा देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए तो जो मिरर वाला टेबल होता है उस पर बहुत ही सुंदर लगता है ये, इस तरीके से देखिए यहाँ पे व्हाइट की लाइन्स है, फिर यहाँ पे ग्रीन का डिजाइन है इस तरीके से। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी टू यूज हो गया, बनाने में बहुत ही आसान, बिल्कुल रेडी टू यूज है बिल्कुल।